वगैरह सब चीज़ है। और ये भैया है सारी चीज़ ये करते हैं, और भैया खाना भी एक नंबर देते हैं, और सब चीज़ में अच्छे हैं। और इनका नंबर जो है भैया वीडियो का नीचे मिल जाएगा, आ सकते हो, स्टे कर सकते हो। अगर इधर आ रहे हो तो सबसे सस्ते में यही मिल जाएगा। तो भाई अब हमारा निकल लेगा नंबर, गाड़ी गिरी सामान वामान ये सब रख रहे, ये होम स्टे था हमारा। तो भाई देख रहे हो, देखो ये पूरा पूरा वाटरफॉल है और जमा पड़ा है, देख रहे हो किस तरीके से भाई। सोलांग वैली, मैं भूल गया यार, सोलांग वैली में देख लो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। तो फाइनली भाइयों सब जने रेडी हो चुके हैं, और अभी तक नहाया कोई नहीं है हम सब में से, पागल देखिए कोई नहीं नहाया भाई, कोई नहीं नहाया, सारे के सारे मुंह हाथ धोए, एक दो तीन तीन बार नहाए क्या तुम सभी लग रहे होंगे जरूर भाई, नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। देख तो नाक चल रही छींक आ रही जबरदस्त। और अभी सब रेडी हो गए, सारा सामान पैक कर लिया, अभी सारे सामान को फटाफट गाड़ी में डालेंगे और फिर चलते हैं मनाली की तरफ को, और पहुंचते हैं मनाली, मनाली जाके फिर एंजॉय करेंगे जो भी है, देखते हैं क्या क्या हमारे प्रोग्राम रहते हैं मनाली में, फिर उसके बाद में हम निकलेंगे डायरेक्ट। आज निकलेंगे या कल निकलेंगे अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी चीज हम मनाली में जाके फाइनल करेंगे, ठीक है चलो। तो भाई जो हमारा होम स्टे था बहुत ही बेहतरीन था, और यहाँ जो हमने खाना वाना खाया वो सारी चीज काफी अच्छी लगी, और देखो सारी चीज हमने आपको दिखाई दी थी कि कैसा रूम वगैरह सब चीज है। और ये भैया है सारी चीज ये करते हैं, और भैया खाना भी एक नंबर देते हैं, और सब चीज में अच्छे हैं। और इनका नंबर जो है भैया वीडियो का नीचे मिल जाएगा, आ सकते हो, स्टे कर सकते हो। अगर इधर आ रहे हो तो सबसे सस्ते में यही मिल जाएगा, बाकी सबसे बढ़िया भी और सस्ता भी है, अरे सही मिल जाएगा, खाने भी सस्ता मिलेगा, खाना भी खाओ और घर जैसा खाना मिलेगा, सबसे बढ़िया बात तो यो है। जी। बिल्कुल भाई, सलाद चाहिए कुछ भी चाहिए तुरंत के तुरंत, सारी चीज नमक वगैरह सारी चीज ना, चिकन भी अच्छा अच्छा। तो चलो ये सारी चीज़ें, वीडियो के नीचे भी नंबर आ रहा होगा, और वैसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो भैया से कॉन्टैक्ट कर लो, आने से पहले कर लो चाहे आने के बाद कर लो, जैसे भी है। और लोकेशन, लोकेशन यहाँ की है आपके, इसकी है शूलिंग, सूद होम स्टे शूलिंग, सूद। एक बार ना मैं अभी आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उसमें मुझे लिख के भेज देना, ठीक है, है ना, लोकेशन लाइव लोकेशन मुझको सेंड कर देना, उस पर मैं वो ना उसमें डाल दूंगा अपनी वीडियो में, ठीक ठीक है भाई, लोकेशन भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। अब हमारा निकल लेगा नंबर, गाड़ी गिरी सामान वामान ये सब रख रहे, ये होम स्टे था हमारा, ये बाहर से ऐसा। और भाई सब कहते हैं ना शिशु में महंगा महंगा है, भाई 2,2500 रुपये में भैया आपको रूम भी प्रोवाइड करवा देंगे अपना, पांच बंदे हो ना, पांच बंदों को भी करवा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, पांच बंदों के लिए, पांच जने थे, पांच जनों के लिए हमारे लिए भैया ने 2,000 में कर लिया था, वैसे 2,500 रुपये के समथिंग होता है, लेकिन हमें 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो हमारा हुआ 2,000 रुपये। और आप आओगे बात करोगे भैया से तो हो ही जाएगा आपका सारा का सारा। और मैंने आपको बताया कि आपको सारी चीज़, होटल का नाम है, लोकेशन है, सब चीज़ दे दूंगा, शिशु में ऐसा नहीं है, शिशु से केवल 7 किलोमीटर और इधर को आओगे ना टांडी तरफ को, तो भैया 7 किलोमीटर के करीब पड़ता है ना भैया ये शिशु से, शिशु से तीन किलोमीटर पड़ता है, तो शिशु से 3 किलोमीटर जब आप टांडी की तरफ को पड़ोगे तो 3-3.5 किलोमीटर पर आपको भैया का होम स्टे दिखाई दे जाएगा, आप आके स्टे करो। और अभी मैं गाड़ी को जरा कोल्ड स्टार्ट के लिए छोड़ देता हूँ, देख रहे हो हमारी गाड़ी के ऊपर, हमारी गाड़ी के ऊपर बर्फ जम चुकी है, हाँ हाँ देख रहे हो, अभी हम गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट के लिए छोड़ दें फटाफट से, क्योंकि भाई पता नहीं कैसा पर रिस्पॉन्स अच्छा देगी, क्योंकि हमने कल प्रीमियम डलवा लिया था पेट्रोल, ये बहुत अच्छा किया है हमने, करते हैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट। तो भाई मैं करता हूँ अपनी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट फटाफट से, ओह वाह देखा भाई, जबकि -27 तक गया रात यहाँ पे, और अभी अपनी गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ देते हैं। हो गए सारे के सारे रेडी भाई, चले मनाली में लगवा दियो, हाँ लगवाएंगे, चले फिर बोलो जय श्री राम। हमारी निकल जाएगी, गाड़ी बाहर निकल जाएगी, चलो भाई तो करते हैं अपना यहाँ से मनाली का सफर स्टार्ट, और अभी अटल टनल के पास थोड़ी देर रुकेंगे फिर मनाली पहुँचेंगे। और अभी कैसा लग रहा हूँ मैं दिखाइए जरा, इधर से दिखाइए, आज मैंने लोअर वोवर चेंज करके भाई जींस वगैरह डाल लिया, और
बेहतरीन तैयार हो गए। अब चलते हैं और हाथ हो रहे हैं अभी सुन बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत हीटर वीटर है। अच्छा तुमने बर्तन धो दिए भाई। हमारा दीपक भाई अभी अंदर बर्तन धो के आया क्योंकि पेमेंट कम पड़ गई थी तो बर्तन धोने पड़े दीपक भाई को। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। जय श्री राम। अब राम जी का नाम लेके और हमारे श्याम जी का नाम लेके हम निकलते हैं भाई घर से। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। अब फटाफट हमारा निकलने का नंबर आया, मैं गाड़ी बैक कर लेता हूँ फटाफट से और निकलते हैं भाई। जड़ हो रहा है बहुत ज्यादा तो गाड़ी बैक करके और यहाँ से निकलते हैं धीरे से। देखो ये पूरा पूरा वाटरफॉल है और जमा पड़ा है। देख रहे हो किस तरीके से भाई ये सारे का सारा जम गया यहाँ पे। देखो ये सारी की सारी स्नो और तेरी को अंदर यहाँ भी का ये देख लो भाई साहब। चेकआउट करो यार यहाँ भी चेकआउट करो। ये देखो दांते दंगे दांते बन गए दांते। अब मैं किसी का मर्डर करने के लिए कुछ ना कुछ लेके तो जरूर जाऊँगा। हाँ ये देखो पर हाथ सुनने वाला है मेरा। कोई बात नहीं फिर भी हरकतबाजी से हम बाज नहीं आएंगे। एक ये तो लेकर चलेंगे। हाँ हाँ ये देखो भाई ये देखो पहुँच दूंगा। हट जाओ हट जाओ आज मैं सागर का मर्डर करके रहूंगा। फोटो खींच सागर ओए फोटो खींच। पहले एक अकेले क्यों जाने फिरियो। रुक जा फोटो खींच फोटो खींच आकर आकर ना दियो इधर आकर वो आकर वो भाई इधर का व्यू देख लो क्या व्यू है मजेदार। हाय हाय लो भाई भाई अब यहाँ से निकलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे रास्ते में रुकना दुकना अपना चलता रहेगा क्योंकि ऐसे नज़ारे और रुकना हमारा बना ही रहेगा। हम पता नहीं कब तक मनाली पहुँचेंगे इस हिसाब से। मनाली पहुँच जाएंगे। एक गिलास लेना है दारू पीनी है। ये तो यार दारू का सिस्टम इनका पहले हो जाता है शुरू। सुबह उठे नहीं है पहले पैक। चलो भाई लेकिन हमारे वीडियो हम दिखाते कुछ नहीं है क्योंकि ये भैया अलग मैटर है। हाँ अब ले इसे धक्का दे रहा हूँ। लो भाई फाइनली हम बैक पहुँच चुके हैं अटल टनल। अब यहाँ पे अटल टनल है पूरी और हम सीट लगा जा रहे हैं वापस। पुलिस वाले खड़े हैं। चलो सीट बेल्ट लगा लेते हैं हम अपनी। रुकोगे तो यहाँ पे वैसे नहीं अब नहीं रुकने वाले हम यहाँ पे सीधे निकलेंगे। और यहाँ कल यहाँ पे पता टैक्स कटता है जाने का लेकिन हम सुबह सुबह निकल गए ना तो हमने कोई टैक्स पे नहीं करा। यहाँ पे टैक्स कटता है लाहौल वैली में जाने का। ना ये बाहर के टूरिस्टों को रोकते ना है ना ऐसा। भैया जाना काजा काजा जाना काजा तो पीछे है रहेगा नहीं काजा पता है काजा जा ही नहीं सकता है इस रोड से भी आगे से लेफ्ट। ये रही भाई अटल टनल अपनी ये देख रहे हो। अभी रुकेंगे यहाँ पे अभी रुकेंगे भाई यहाँ ग्लास लेना पानी लेना लारू पीनी है देखो ना। तो और यहाँ पे हो रही होगी भाई बहुत सारी एक्टिविटी बहुत ही सारी ट्यूब राइड वगैरह बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होंगी यहाँ पे। तो गाड़ी लगाएंगे अब यहाँ साइड में वहाँ ना लगे वहाँ गाड़ी खड़ी ना करने देंगे पुलिस वाले भगा देंगे मिलिट्री वाले भगा देंगे। तो लो भाई हम आ चुके हैं कहाँ गए लेकिन ये नहीं पता है मुझे सही से। लेकिन यहाँ से अब रोहतांग जो है ना वो है 21 किलोमीटर रोहतांग वाली साइड में को आ गए। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। हमने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी ब्लैक स्नो में पूरा पटर पटरा के पल्ली साइड को तो हो गई है। देखेंगे अब कैसे निकालेंगे कैसे नहीं करेंगे। ये जगह कौन सी है मेरे को जगह नहीं दिख रहा है ना नाम नहीं दिख रहा है कोकसर कोकसर है भाई कोकसर। हाँ ये आ गए हम कोकसर। तो कोकसर में लास्ट पॉइंट है जहाँ से आगे बैरियर लगा रखे हैं। लोकल की एटीवी तो जा रही हैं लेकिन वैसे नहीं जाने दे रहे। आगे कुछ होगा नहीं वो स्नो में जाना है। इधर हो जा आगे स्नो में जाके वही बात है भैया कि स्नो में जाओ अपने दो चार स्नो में रपटो रपटाओ और आ जाओ वही चीज़ है। कोकसर में है ये लास्ट एंट्री है
यहाँ तक आ गए थे थोड़ा आगे घूमने, अब घूम फिर लिया, कुछ खाएंगे पियेंगे और अपना निकल जाएंगे फिर आगे के लिए। आगे जाने का हमारा तो कोई फ़ायदा है ना, यहाँ बैठ कर कुछ खा भी लेते हैं, यहीं रुकते हैं थोड़ी देर और फिर चलते हैं अटल टनल साइड में, है ना? सही रहेगा ना ये? आगे है क्या? वही होगी, बर्फ़ ही होगी और क्या होगा। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, देख रहे हो यहाँ पानी, देखो भाई कितना साफ है, व्यू देखो यहाँ। यहाँ से आगे भाई ATV वगैरह कुछ नॉर्मल गाड़ियाँ जा रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम जा नहीं रहे हैं। क्या है, आगे बर्फ़ ही होगी, जैसी बर्फ़ में कल खेले वैसी बर्फ़ होगी। और देखो यहाँ भी ये ना सारा जमा पड़ा है भाई, ये सबसे ज़्यादा बड़ी झंझट है, ये सारी चीज़ जमनी पड़ी है। और आज मैंने ना अपने जूते भी चेंज कर लिए, मैंने जूते भी ऐसे पहने हुए हैं जो कि सही हों। और भाई ये अपनी चाय आ चुकी है, गर्मा गर्म चाय, अब हम चाय इंजॉय करेंगे। और बहुत ही प्यारी धूप लग रही है भाई, चाय ठंडी, ठंड तो पता ही नहीं चली, और चाय हाथ में लेने के बाद घूंट भरते चले जाओ। और कोकसर में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ आओ गाड़ी खड़ी करो, ATV पकड़ो, फिर बहुत ज़्यादा कोकसर साइड में मत आओ, बेकार है भाई मामला, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आकर अपना फालतू का खर्चा है यहाँ पे। और चाय आ चुकी है, गर्मा गर्म चाय इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे चलिए भाई फोटोग्राफी, कोकसर। और इधर का व्यू देख लो, ये व्यू है कुछ सारा व्यू। चलो भाई चाय पीते हैं भाई, अपना एक झंझट हो गया, गाड़ी यहाँ खड़ी तो कर दी है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि इससे इधर कैसे लेके आया जाएगा। अब ये सारा सिलसिला देखना है, देखते हैं धीरे से निकालते हैं, जैसे भी निकलेगी बहुत प्यार से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी की सारी ना ब्लैक स्नो है और हमने गाड़ी यहाँ बाढ़ दी है। अब दिखाते हैं आपको कितनी ईजीली निकलेगी या कुछ मुश्किल होगी, वो सारी चीज़ आपको अभी देखने को मिल जाएगी। भाई ब्लैक स्नो में गाड़ी तो खड़ी कर दी है, अब देखते हैं ईजीली निकल जाए तो अच्छी है, क्योंकि आगे एक गाड़ी जस्ट मिली हुई खड़ी करी है, और ये तो निकाल लेंगे, हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो देखते हैं कितना इजीली निकाल पाते हैं या थोड़ा टफ पड़ता है। चलो बैठूं, कर रहा हूं स्टार्ट। थोड़ा इधर हो जाओ वैभव, हाँ बस टायरों की तरफ, टायरों को दिखाइए बस। हो जाएगी पीछे पीछे करो, भाई जा रहे हैं। लाओ लाओ आगे चढ़ जा, झटके से आएगी आगे, अटल टनल जा रहे हैं, अटल टनल। बैग मत लिए क्या, बस बस चला के छोड़ दे, इतना हल्का मत कर दे, किस पे मेरी जान, जान दे या किस पे, चल उठाने से बैग कर दे, सीधी उठा सीधी भाई, अभी नुट्ठी की बैग कर दे, पीछे ला पूरी काट दे, पूरी काट, पूरी काट, पूरी काट, काट दे, काट दे, जल्दी कर, बस बस उठा सीधी, उठा जल्दी कर, सीधी रुक रुक रुक, पीछे ला पीछे ला, सीधी ले सीधी कर, पीछे जान दे सीधी, चलो पीछे ले ले थोड़ी, पहले पूरी सीधी जान दे। लो भाई मेरे पे ना चढ़ी, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, ओए बच गई बच गई बच गई, बैक करो बैक करो, पूरी करो भाई साहब, धक्का दो धक्का, धक्का दियो, बस बस बस, कर दो कर दो कर दो, सामने से हट जा, हल्का हल्का थोड़ा, बस आगे निकल गए भाई साहब, निकल गए, गाड़ी थोड़ी फंस गई थी वो उन्होंने निकाल दी वहाँ के लोगों ने, और फिर हम अब चल दिए भाई, भाई ऐसा लगा चलो नजारा एंजॉय करते हुए,
यहाँ पे दीपक भाई आते हुए और ये सारे जन गाड़ी में से अपना अपना चश्मा निकाल ले। हाँ आ चुके भाई अटल टनल के पास में, नॉर्थ पोर्टल पे। वो साउथ पोर्टल है, ये नॉर्थ पोर्टल है, तो नॉर्थ पोर्टल साइड में है। इसके अंदर चले जाएंगे हम? किसके अटल टनल के? जाएंगे तो गाड़ी लेके, हाँ तो बद भी जाएंगे। और अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं भाई, मुझे वो जंपिंग करनी है। कौन सी वाली? वो वाली वहाँ पे। चलो आओ चल रहे, जंपिंग करेंगे वो वाली फेंके के ऊपर। नहीं भाई यार पहाड़ों में बहुत गंदगी कर रखी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो ना तो सारी गंदगी देखो। जाओगे? कल वाली वीडियो में बताया यार, आज वाली में बताया, बहुत सारे यूट्यूबर बताते भी हैं मत करो ऐसी गंदगी, बेकार है भाई, आने का मन नहीं करेगा फिर आपका खुद का। और देखो अभी वहाँ से ना ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है इस साइड में निकल निकल के। और यहाँ पे ना स्लिपी हो रहा है, गाड़ी जिन्होंने लगा दी है निकल तो जाएंगी, मेरी भी वहाँ लगी हुई है, स्नो ब्लैक स्नो सारे में है, तो स्नो पे ही गाड़ी लगी हुई है, जो भी गाड़ी लगी हुई है ब्लैक स्नो पे ही लगी हुई है। और इधर चल रहा है फोटो सेशन, चल रहा है यहाँ पे। और फिर देख भाई अभी मुझे लग रहा है ये चालू नहीं किया गया है, ठीक है हम आए जरा इधर को, और देख रहे हो फुल स्नो, देख रहा कितनी स्नो है यहाँ पे, अरे ये सारी की सारी ब्लैक स्नो है। अरे यहाँ चल रहे लपोस, फोटोग्राफी चल रही है इधर। और हम आए फिलहाल में ये और इसका पता करने, लेकिन कुछ यार दिखाई नहीं दे रहा कि चालू हुई या नहीं है, पूछते हैं यार किसी से कि ये चालू है या चालू कब होगा, पता चले यार। ये वाला करने का मन था अपने, बहुत ऊपर जाता मैंने पुराने एक बार किया है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें, गड्ढे देनी से ऊपर फेंकता है। लेकिन मैंने पिछली बार जब की थी पता है क्या आता आगे, जैसे ये लगा हुआ है इसके आगे खाई थी तो ऊपर गए और जब खाई दिखी बस भाई अभी यहाँ पे ये एक्टिविटी चालू नहीं है। जा रहे भाई अपनी गाड़ी के पास में और गाड़ी लेकर हम मनाली निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि हमें मनाली निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं बचा यार अब देखने के लिए, अब पल्ली साइड चलते हैं। लो भाई अब निकालते गाड़ी और फिर देखो फिर से नौ में खड़ी है ना गाड़ी, तो अब निकालते हैं यहाँ से। अब की बार आराम से निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या था वहाँ एक चढ़ाई सी आ रही थी, एक चक्कर में थोड़ी दिक्कत आई थी, यहाँ तो भाई इजीली बैक लग जाएगी, बहुत स्लिप भी नहीं होगी। ये देखो बहुत ही प्यार से वापस जाते हुए ये गई अपनी गाड़ी वापस, ये लो। वो वहाँ पे वो ही चीज़ थी और कोई कमी नहीं थी कि वो साइड में जो चढ़ाई चीज़ होती थी। यहाँ तो रेस देना कोई सिस्टम ना है ना, यहाँ निकलने वाले थे लेकिन भाई ये छोले की और थोड़ा चना दाल होती है ना वो बनवा लिया, वो खा रहे टेस्ट आ रहा चटपटा चटपटा बहुत बेहतरीन। और देख रहे हो यहाँ एटीवी कितनी खड़ी है, देखो बहुत सारी एटीवी खड़ी है भाई, बहुत सारी, पर चक्कर में मत पड़ना बेकार है। भाई यहाँ हो चुकी है अपनी टर्नल में एंट्री, राजस्थान पत्रिका। लो यहाँ से टर्नल शुरू हो गई, अब यह 13 किलोमीटर की टर्नल। अब फिर से अब यहाँ से बर्फ में से निकले है ना, उधर मिलेगा कुछ नहीं, होटल तो मिलेगा, रोटी खाएंगे वहाँ बस, और क्या। भाई यहाँ पे देख लो कितना ट्रैफिक आ रहा है मनाली साइड से, अभी इधर कतार लगी पड़ी है पूरी की पूरी, अरे इधर से जाने वाले अभी है नहीं तो हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा इस टाइम पे, हम सही टाइम पे निकल गए। और टाइम भी क्या हो रहा है अभी पता है, 11:13 हो रहे और टर्नल के पल्ली साइड तो भाई ट्रैफिक लगा पड़ा है, कंटिन्यू ट्रैफिक लगा पड़ा है, पड़ा है इधर कितना ट्रैफिक। लो भाई एग्जिट मार दिया टर्नल को हमने, बेल्ट लगाऊं? हाँ बेल्ट लगा लो, मैं भी लगा लेता हूँ। पुलिस वाले ना, ये पब्लिक की खड़ी है वैसे ही, खड़ी तो है पर लगाने में क्या जा रहा है। निकल गया टर्नल क्रॉस करके, विजिट थैंक यू। अब लगाएंगे यहाँ गाड़ी साइड में को, देखो भाई वैसे इधर भी स्नोफॉल हो गई है क्या, इधर भी बर्फ पड़ी है तो
अरे हट जा मेरी सुसरी के रास्ते में से सीधी बोलो आगे जाइए कला मंडी हो यहां लगाते हैं गाड़ी साइड में भाई कला और ले अकेले या गाड़ी की सड़क ए तो बाल बाल दिया मैं बालों को थोड़ी सी अगले ले ये बाबे बाल दे दिल्ली वालों के टनल के दूसरी साइड में पल्ली साइड में होया है ये है और अब हम आगे तो यहाँ का फोटो तो बनता ही है ना अपना एक अब खिंचवाएंगे यहाँ पे फोटो और फिर निकल जाएंगे पल्ली साइड यानी मनाली के लिए। तो अब मनाली जा रहे हैं हम वैसे भी तो देखते हैं थोड़ी बहुत देर यहाँ इंजॉय करते हैं इंजॉय क्या फ़ोटो वगैरह लेते हैं और फिर अपना निकलने का करते हैं। कहाँ गए सारे के सारे मैं अकेला रह गए पब्लिक। चलो भाई चलो देखो यहाँ पे चल रही है चेकिंग जबरदस्त तरीके से। ये देखो जो यहाँ की गाड़ी नंबर है ना उनको नहीं रोका जा रहा, जो बाहर की आएंगी ना उनको रोका जाएगा देखना। और जब हम गए थे हमें नहीं रोका गया था, जैसे अच्छा नंबर आए देखना बस रोक लो भैया रोक लो। ये देखो यूके नंबर है इसे रोक लिया साइड में लगाओ चेकिंग होगी। और सुबह के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबह सुबह जाओगे ना कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कि आपको अगर कुछ चीज़ करनी है तो वो कैसे होगी, उसमें आपके पैसे बच जाएंगे, वो मैं आपको अभी इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना बने रहना। लो भाई अटल टनल को 12 बजे बोलने का टाइम, हम निकल रहे हो फटाफट यहाँ से मनाली के लिए। ना मना कर रहा है वो पैसे। चलो भाई निकलते हैं पीछे। लो भाई ये है क्या कह रहा था मैं इसे सोलांग वैली, मैं भूल गया यार। सोलांग वैली में देख लो कुछ भी नहीं है भाई कुछ भी नहीं। और एटीवी इतनी सारी खड़ी हैं, वैसे बच्चों को खेलने के लिए तो है वैसे कुछ नहीं है भाई अभी। लो भाई मनाली पहुंचने वाले हैं, रास्ते की कंडीशन देख लो यहाँ पे तो थोड़ा सा जो अभी वो आया था ना बाढ़ वगैरह जो आई थी तो उसके चक्कर में ये थोड़ा सा बीच खराब हुए पड़े हैं। तो निकल ले यहाँ से आराम आराम से। और यहाँ पे देखो कितना पत्थर पड़ा है भाई इस बार, और पत्थरों के बीच में लकड़ा वक्कड़ पता ना क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। बहुत ही स्लो ट्रैफिक हो गया है मनाली आने का, यही वो है कि हम मनाली में इसीलिए नहीं रुके थे यार कि यार ट्रैफिक मिलता है। और अब भी रुकने का अभी हमारा कोई विचार नहीं है, अगर रुके तो देखेंगे नहीं रुके तो भी देखेंगे, हो सकता है हम कसौल भाग जाए। वेलकम टू मनाली माल रोड, हम आ गए माल रोड पे, पकड़ना इसे ज़रा। तो हम मनाली माल रोड पर आ चुके हैं और देखो यहाँ पे भाई फंक्शन चल रहा है अभी कुछ टाइम इनका फंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा। अभी हम इधर की तरफ चल रहे हैं ज़रा हडिम्बा टेम्पल की तरफ को। तो चलो 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 चलो, अरे निकाल मेरे भाई तू निकाल ले कोई तो चलो आगे को। यहाँ पे देखो ये सारी मार्केट है भाई पूरी की पूरी। अब यही कहीं पार्किंग है तो वो पार्किंग देखते हैं और उसमें गाड़ी लगाते हैं एंड फिर जहाँ मैं जाना आना है जो भी कुछ करना है वो करते हैं। लो भाई आ चुके हम हडिम्बा टेम्पल, और बिल्कुल हडिम्बा टेम्पल के पास ही हमने गाड़ी खड़ी कर दी अपनी। अब जा रहे हैं हम पैदल 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 खरगोश प्यारे प्यारे खरगोश बात मांग ले अरे बेटा फोटो खींचो खरगोश का। मेरा तो खरगोश को ले लिया आपने वीडियो में, ऐसे करके एडिट करके डाल दूंगा मुझे पहले सारे एडिटर से हैं। आगे 5 रुपए कह रहा है वो 5 रुपए का है कहां पे आगे। हां तो करो ना फिर सागर भाई। तो भाई देखो ये रहा हडिम्बा टेम्पल, आ गए हम जय हो हडिम्बा माता की। ये क्या और यहाँ का व्यू देखो भाई क्या व्यू है। मैं आ चुका हूँ हडिम्बा टेम्पल देख लो सामने। ओ भाई साहब क्राउड बहुत अच्छा है यहाँ पे ज्यादा। ये देखो ये हडिम्बा माता टेम्पल और यहाँ पे लाइन काफी लंबी लग रही है। ओके माता रानी को हम यही से हाथ जोड़ देंगे। वैसे तो भाई पूरा राउंड लगा के लाइन लगी पड़ी है तो हम यहीं से माता रानी के हाथ जोड़ देते हैं। जय हो माता रानी थोड़ी मेरा माता जो गलती हुई है सबको क्षमा करना कृपा बनाए रखना ठीक है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी की वीडियो यहीं एंड करते हैं क्योंकि यार वीडियो ना ऑलरेडी काफ़ी लंबी लंबी होती जा रही है और मैं सोच रहा हूँ छोटी हो जाए तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्टों में वीडियो बना के डालता रहूँगा। अभी के लिए राम राम सभी भैया।